जैसे जैसे दिल्ली में गर्मी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे पानी को लेकर लोगों की समस्या बढ़ रही है। दिल्ली में नवी क्रीम इलाके में लोग परेशान हैं कि पानी कहाँ से लाए पीने के लिए और घर के इस्तेमाल के लिए। दिल्ली में जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, लोग परेशान होते जा रहे हैं पानी के लिए। नवी क्रीम इलाके में आम जनता परेशान है, पानी नहीं मिल रहा है, पानी भरने के लिए दूर दूर जाना पड़ रहा है। लोग अपना काम धंधा छोड़कर पानी भर रहे हैं, और रमज़ान का महीना भी ख़त्म होने वाला है पर पानी नहीं मिल रहा। घरों की महिलाओं को घर का खाना बनाने के लिए तक का पीने का पानी नहीं है, पीने के पानी भी खरीद के लाना पड़ रहा है, और बाकी कई काम के लिए भी पानी लेकर आना पड़ रहा है। गुस्से से आकर महिलाओं खाली बाल्टी को बजाना शुरू कर दिया है। अरविंद केजरीवाल मुर्दाबाद और इमरान हुसैन मुर्दाबाद और जल बोर्ड मुर्दाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिया है। नाम बताओ अपना। लाइरानी। क्या परेशानी है आप लोगों को? बेटा कोई पानी नहीं है, एक महीना हो गया हम तड़प रहे हैं, बुजुर्ग आदमी हमारा कोई खाना वाला नहीं है, हमारे पास कोई बच्चा पाल मारने नहीं है जो उठाएगा, इसी दिक्कत है। गटर का पानी है, काला बदबू है, हमारी आंखें भी खराब हो चुकी है, जिससे मेरी सारी खारिश हो गई है तो पानी गंदे से, हम इतने परेशान हैं कि बताओ, रोने को दिल करता है हमारा। कितने ये जो पाइपलाइन आप देख रहे हो, लोगों ने पीछे से डाल डाल के आगे अपने लेके जाते हैं, मगर लोग क्या करें, परेशान है इसीलिए कर रहे हैं ना ये। अब यहाँ पर देखो क्या हाल हो रहा है, आप देखो हर बंदा दुखी है इस टाइम पानी से, हर बंदा। ये बुजुर्ग लेडी है, उनसे पूछो उनका क्या हाल है, इनसे है इनका पूछो क्या हाल है, कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसका बुरा हाल ना हो। आपका प्रशासन कुछ नहीं सुन रहा है सर, हम उनके पास कितनी बार गए, लगातार 2 साल से उनके पास जा रहे हैं। ये कम्प्लेंट इमरान हुसैन जो यहाँ कर यहाँ तक आया ही नहीं है, किस मोहल्ले के अंदर उसका कोई है? इस बारी किसी को वोट नहीं देनी, ये हम पूरे मोहल्ले वालों ने एक निर्णय किया हुआ है, कोई वोट नहीं देगा, किसी को वोट नहीं मिलना। सर इतना परेशान आज तक नहीं हुए, 14-18 की भेजी है मैंने, पीछे देखो 14-18 यहाँ पर एक पानी का लाइन लेने लगा तो लड़ाइयाँ चालू हो जाती हैं। ये सब कुछ हमारे बारे में लिखा पड़ा है, वो तो है लिखा है। आप पानी लेके आए हैं क्या? हाँ जी। कहाँ से लेके आए पानी? आप पानी कहाँ से लेके आए हो? तो ये सुबह पानी नहीं आता आप लाइव इलाके में, आप सर के पर रख के लेके आ रहे पानी को, तो ऐसे ही रोज भरते हैं इसे पानी को? बताइए अपना। मोहम्मद शमशाद आलम नाम है मेरा, और सर जब से रमजान शुरू हुआ है तब से इतनी परेशानी में हम लोग हैं कि एक एक बूंद के लिए तरस रहे, पूरी पूरी रात पानी के इंतजार में। मोटर चालू करके परसों मोटर भी फूट गया हमारा, मोटर चालू किए लेकिन पानी की समस्या इतनी है कि बहुत परेशान हम लोग। अब ये चाहते हैं कि पता नहीं क्या करें हम लोग। आप नहाने के लिए पानी यार, पीने के लिए पानी? अरे कमालिया, मोटर यहाँ मस्जिद है नजदीक में, उससे पानी ले आते हैं डब्बे डब्बा। अब तो वो भी खराब हो गया, अब वो भी खराब हो गया, अब क्या करें समझ में नहीं आ रहा। तो प्रशासन वगैरह से आपने गुहार लगाई है क्या? हमको तो अगर मंत्री जी का अगर फोन नंबर हो तो हम तो उनको डायरेक्ट हमने नंबर भी इंतजाम करने के चक्कर में है, अगर नंबर मिले तो उनको हम बहुत बुरा भला कहेंगे, लेकिन अगर हमको नंबर मिल जाए तो बहुत बुरा भला कहेंगे। ये कौन सा तरीका है भाई, पूरा रमजान निकल गया, बताओ 25-26वां रमजान है, पानी की इतनी समस्या है कि आदमी परेशान हो गया।